हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटनेसोल टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट के बहुत सारे फायदे हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स भी यूज की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे हम। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये बेटनेसोल टैबलेट जो कि GSK कंपनी की है और इसकी प्राइस की बात करें तो 12 रुपए है, जो कि एक स्टीम है 20 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं बीटामेटासोन 0.5 mg। दोस्तों बेटनेसोल टैबलेट जो कि एक स्टेरॉइड दवा है, कई सारे प्रॉब्लम्स में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो उसमें यूज कर सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो, अस्थमा हो। नंबर 2, शरीर में कहीं भी एलर्जी हो, यदि किसी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, जैसे कि स्किन पर रैशेज होना, इचिंग होना, सूजन आना, तो इनमें यूज कर सकते हैं। नंबर 3, सोराइटिस की प्रॉब्लम हो। नंबर 4, किसी दवाई से एलर्जी हो जाए, रिएक्शन हो जाए। नंबर 5, किसी व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी का प्रॉब्लम हो तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 6, गले में स्वेलिंग आना। नंबर 7, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, हड्डियों को जोड़ों में दर्द हो, स्वेलिंग हो। नंबर 8, आंखों में एलर्जी हो। नंबर 9, कीड़े वगैरह काट लिया हो उसमें फफोले पड़ जाते हैं किसी किसी को, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 10, गठिया के प्रॉब्लम हो। नंबर 11, एक्जिमा हो। नंबर 12, खुजली हो। नंबर 13, चेस्ट में इन्फेक्शन हो। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, यूज कैसे करें, इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग यूज करवाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट 0.5 mg दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। बाकी पेशेंट के कंडीशन को देखकर डॉक्टर डोज घटाते भी है और बढ़ाते भी है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज कर रहे थे, बातें ध्यान रखें। नंबर 1, हार्ट पेशेंट यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 2, किडनी लिवर डिजीज भी यूज ना करें विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 3, डायबिटीज पेशेंट भी यूज ना करें। नंबर 4, यूज करने पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि एलर्जी, वीकनेस, स्टोमेज अपसेट, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस टैबलेट को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो बेटनेसोल टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे बड़े टैबलेट है। और दोस्तों इस टैबलेट में और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि बेटनेसोल 4 टैबलेट, बेटनेसोल एंड ड्रॉप, बेटनेसोल ओरल ड्रॉप, बेटनेसोल ऑइंटमेंट, बेटनेसोल इंजेक्शन भी अवेलेबल है, तो ये भी परचेज कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के कंडीशन को देखकर अलग अलग टैबलेट, ड्रॉप, इंजेक्शन यूज करवाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।